कुछ ही दिनों पहले एक आंकड़ा सामने आया था जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, और वो है जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा, और ये आंकड़ा है 23.9%। हाँ, लेकिन नेगेटिव, और ये अपने आप में ही एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, क्योंकि आज तक इंडिया ने इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक ऐसा नंबर कभी नहीं देखा। तो आज हम इस वीडियो में इसके रीजंस के बारे में जानेंगे और पिछले किन किन सालों में इंडिया ने कब कब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखा था, और साथ में हम जानेंगे कि जीडीपी क्या होता है और जीवीए क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर्स जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं और इस सब का सोल्यूशन क्या है। तो बहुत से फैक्टर्स को इंक्लूड करके हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले। तो चलो शुरू करते हैं। -23.9 जीडीपी ग्रोथ का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, जो कि अप्रैल से जून तक का है, उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 23.9% का एक बहुत बड़ा डिक्रीमेंट हुआ है। और इस पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। चलो देख लेते हैं कि कितना एक्ट ऑफ गॉड है। अगर क्वार्टरली जीडीपी की बात करें तो ये हमने 1996 से निकालना शुरू किया था, और उस समय के बाद से अभी तक हम नेगेटिव में नहीं गए थे। रीजंस और कंपैरिजंस की बात करें तो अगर पिछले साल के नंबर्स हम देखते हैं तो पिछले कुछ सालों से ही इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और ऑटो सेक्टर पिछले कुछ सालों से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ पिछले साल की बात करें तो 2019-20 के क्वार्टर वन में 5.2% से क्वार्टर टू में ये 4.4 और फिर क्वार्टर थ्री में ये 4.1 हो गया, जो क्वार्टर फोर तक आते आते सिर्फ 3% रह गया था। तो ये तो पिछले चार क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं, और 2020-21 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट -23% आया है। और अब इस -23.9 का मतलब क्या है? तो जो 2019-20 का पहला क्वार्टर था 5.2 का, वहाँ पे जो हमने गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन किए थे और उसकी जो वैल्यू थी, उसके कंपैरिजन में इस साल का जो पहला क्वार्टर है वहाँ हमने 23.9% के वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को कम बनाया है, और ये जीडीपी का सिंपल मतलब होता है। जीवीए के बारे में और जीडीपी और जीवीए के डिफरेंस के बारे में जानने से पहले हम एक थोड़े रॉन्ग ग्राफ की बात करते हैं, जो काफ़ी लोग अलग अलग सोशल मीडियाज पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें इंडिया की और एक दो देशों की जीडीपी तो सही है लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज की बिल्कुल नहीं। और ये जो स्क्रीन पे ग्राफ आपको दिख रहा है, एक्चुअली में इसमें यूके और फ्रांस का नंबर तो सही है, लेकिन यूएस की बात करें तो ये नंबर 33% है नेगेटिव। और तो अब हम जीवीए की बात करते हैं। तो जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वैसे ही जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। अब जीवीए का मतलब है कि जैसे हम इकोनॉमी को मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, और तीसरा है सर्विसेज। तो ये तीनों का यहाँ पे प्रोडक्शन का रोल होता है, मतलब ये सप्लाई साइड को शो करता है, तो इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीवीए कहते हैं। और इस बार जीवीए -22.8% आया है, और जब आप जीडीपी या जीवीए देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। जीडीपी मेजरली एक्सपेंडिचर और बिजनेस का इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फॉरेन ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा को जब हम मिलाते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है, जिसे हम C+I+G+NX से भी डिनोट करते हैं, जिसमें C कंजप्शन है, I इन्वेस्टमेंट है, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और NX नेट एक्सपोर्ट्स हैं। तो इन सब को मिला के जीडीपी बनता है। और जीवीए की बात करें तो वो सप्लाई साइड की फिगर्स को शो करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पहले कब हुआ था कि हमारे देश की जीडीपी नेगेटिव में चली गई। तो अगर हम एग्जैक्टली 40-41 ईयर्स के अराउंड बैक जाएं, तो 1979-1980 में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो -5.2% थी। लेकिन एक बात याद रखना, ये पूरे साल की है, और जो अभी आई है वो क्वार्टरली थी, अप्रैल से जून तक की। लेकिन ऑब्वियसली जून से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, और अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, और ये आंकड़े ज़रूर सुधरेंगे। और ऐसा फॉरकास्ट भी किया जा रहा है कि ये -5 से लेकर -7% के अराउंड होगा, अगर हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स को मिला दें। अब अगर हम इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक की बात करें कि नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ कब कब देखने को मिली, तो सबसे पहली बार 1957-58 में -1.2% की ग्रोथ हुई थी, फिर 1965-66 में -3.7 की ग्रोथ हुई थी, और 1972-73 में -0.3 हुई थी, और 1979-80 की तो हम बात कर ही चुके हैं, जिसमें सिर्फ -5.2% की ग्रोथ हुई थी। अब हम उन मेन सेक्टर्स की बात करते हैं जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं।
तो मेजरली 8 सेक्टर्स हैं, जिसमें पहला एग्रीकल्चर, दूसरा माइनिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये एक सेक्टर में आते हैं। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज एक सेक्टर में आते हैं। और फाइनली 8th सेक्टर में आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। अब इन 8 सेक्टर्स में से जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ही नेगेटिव थी, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही इकलौता सेक्टर है जिसमें पॉजिटिव 3.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव हैं, और वो भी छोटे मोटे नंबर्स नहीं हैं। और छोटे होंगे भी कैसे, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी तक खुले नहीं हैं, जैसे कि होटल्स, जिसका आंकड़ा -47% आया है, और वही कंस्ट्रक्शन का -50.3 का आंकड़ा शो हो रहा है। तो टोटल 8 में से 6 सेक्टर्स नेगेटिव डबल डिजिट फिगर्स हैं, और वहीं पावर और गैस ने -7% की ग्रोथ दिखाई है, और बचा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो तो पॉजिटिव है ही। तो ओवरऑल एक भारी गिरावट इसीलिए देखने को मिली कि 8 में से 7 सेक्टर्स नेगेटिव ग्रोथ दे रहे हैं। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इन सबका सॉल्यूशन यही है कि कोविड को जितना जल्दी हो सके रोका जाए। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहां तक मॉनेटरी पॉलिसीज की बात है तो RBI अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन सिर्फ RBI ही सब कुछ नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट को भी अपने अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन कुछ दायरे में रहते हुए, क्योंकि अगर सरकार बोरिंग्स भी करती है तो उसे कुछ लिमिट में ही करनी पड़ेगी, वरना इन्फ्लेशन रेट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। यूजुअली क्या होता है कि जब भी रिसेशन या डिप्रेशन वाली कंडीशन आती है तो ग्रोथ रेट के साथ साथ प्राइसेस भी गिर जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई इम्बेलेंस के कारण। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण डिमांड साइड ही इम्पैक्ट नहीं हुई, सप्लाई में भी बहुत बड़ी कमी आई है। फैक्ट्रीज, होटल्स, एयरलाइंस एक्सेट्रा, बाकी सब चीजें भी काफी दिनों तक बंद रही, जिसके कारण ग्रोथ के साथ साथ इस बार इन्फ्लेशन भी कम नहीं हुआ बल्कि उल्टा ज्यादा हो गया है। तो पब्लिक को दोनों साइड से ही काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, और इसके साथ काफी जॉब्स भी जा रही हैं और सैलरीज भी कम हो रही हैं। और जब लोग बाहर निकल के पैसों से कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ इन्फ्लेशन भी उसे मारता है। अब आम आदमी जिए भी तो क्या जिए। तो अब राहत की बात बस यही है कि ये फिगर्स नेगेटिव वाली अब इससे नीचे नहीं जाएंगी, क्योंकि काफी चीजें टाइम के साथ साथ ट्रैक पे आ रही हैं, और काफी सेक्टर्स में ये रिवर्सल ट्रेंड देखने को भी मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, और ऐसे ही रीसेंट और लेटेस्ट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आप खुद को अपने मोबाइल फोन्स की तरह अपडेटेड रख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।